क्वेश्चन नंबर 42, द एसपी ऑफ वन आर्टिकल आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन इट्स सीपी इज द सेम एज द एसपी ऑफ अनदर आर्टिकल आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन इट्स सीपी इफ द सम ऑफ द सीपी ऑफ बोथ द आर्टिकल इज 640 देन फाइंड द एसपी ऑफ ईच आर्टिकल। यहाँ पे क्या है, एसपी ऑफ वन आर्टिकल इज सेम एज एसपी ऑफ अनदर आर्टिकल, सेम आर्टिकल सेम एसपी है आपका, ठीक है। एसपी जब आपका सेम रहता है, एसपी सेम, तो यहाँ पे सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, सीपी वन इज टू सीपी टू क्या हो जाएगा, पहले आर्टिकल पर 15% डिस्काउंट है तो बचेगा कितना, 85, पहले वाले को दूसरे की जगह और दूसरे वाले को पहले की जगह, दूसरे वाले पर 25% डिस्काउंट है तो बचेगा कितना, 75। तो ये आपका, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या जाएगा, 3 से करेंगे 5 से करेंगे 15 और 17, ये आपका सीपी का रेशियो आ गया, ठीक है, सीपी का रेशियो आपका आ गया कैंसिल होने के बाद। अब टोटल सीपी कितना दिया है, 640, टोटल सीपी दिया है 640, तो 10 से 10 20 7 27 से 5 22, 22 का वैल्यू आपका कितना दे दिया है, 640, ठीक है। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22 होगा कि 32 होगा, यहाँ पे 32 ना होगा, ठीक है। 10 10 20 7 27 से 5 32, एक का वैल्यू 32 दूनी 64 20 हो गया। हम लोगों को क्या निकालना है, देन फाइंड द एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। तो पहले किसी एक आर्टिकल का एसपी, तो दोनों का सेम है, किसी एक का निकाल लेंगे वही दूसरे का होगा, तो किसी एक आर्टिकल का हम लोग सीपी निकाल लेते हैं। 15 का वैल्यू मान लीजिए हम पहले आर्टिकल का निकालते हैं, 15 दूना 30 300 हो गया। अब हम लोग इसका एसपी निकालेंगे, एसपी वन कितना आ जाएगा इसका, 300 रुपया है और इस पर कितना डिस्काउंट है, 15% डिस्काउंट है, 15 × 3 = 45, माइनस 45 हो जाएगा, 300 माइनस 45 ये डिस्काउंट है, घट जाएगा, 300 में से 40 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 260, 260 में से 5 चला जाएगा 255, 255 आपका आंसर हो जाएगा। अगर एसपी टू भी निकालिएगा तो वही आएगा, निकाल के देख लीजिए, एसपी टू कितना है आपका, 15 का वैल्यू 300 आया था, यहाँ एक का वैल्यू 20 है, तो 17 का वैल्यू 17 × 2 = 34, 340 हो गया। इसमें से डिस्काउंट करना है कितना, 25% डिस्काउंट इसका, 25% 25 × 100 = 0, 10 × 25 = 75 10 85, 25% इसका 85 हो जाएगा, कितना आ रहा है यहाँ देखिए, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा, ये तो ठीक है, 3 हो गया, 13 में से 8 गया, 8 × 5 = 13, ये भी ठीक है, और ये 2 आ जाएगा, 255 वही चीज़ आ रहा है, तो आपका एसपी वन इजिकल टू एसपी टू हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या कंसेप्ट यूज हुआ है, एसपी अगर सेम है, मान लीजिए पहला एसपी वन है और यहाँ एसपी टू है, एसपी वन आपका प्रॉफिट या लॉस ऑपरेट होने के बाद आया है, एसपी टू भी आपका प्रॉफिट लॉस के बाद जो वैल्यू आता है उसको लिखना है, ठीक है, या फिर इस केस में सीपी पे डायरेक्ट डिस्काउंट के बाद एसपी दिया हो, तो सीपी का रेशियो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे डायरेक्ट इसका रिवर्स हो जाता है, यहाँ पे आ जाएगा एसपी टू आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एसपी वन और ये सीपी वन इज टू सीपी टू, इसका रेशियो आपका यहाँ पे रहेगा, यही कंसेप्ट हम लोगों ने यूज किया है। इसको दूसरे तरीके से हम लोग कैसे बना सकते हैं, पहला डिस्काउंट है 15%, 15% का मतलब 15/100, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10 = 20, 3/20 डिस्काउंट है, तो 20 से आपका कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया आपका सीपी, ये होगा आपका एसपी। दूसरा केस में कितना डिस्काउंट है आपका, 25% डिस्काउंट है, 25 × 100, 4 × 5, 25 × 100, 4 × 3, पहला आपका 4 है और बाद वाला आपका 3 है, ठीक है,
एसपी कह रहा है सेम, तो एसपी को हम लोग सेम बना लेंगे। इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, एसपी आपका सेम आ जाएगा। अब हमारा क्या है, टोटल सीपी चाहिए, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 20 × 3 = 60। सीपी इज इक्वल टू 20 × 3 = 60 प्लस 17 × 4 = 68 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 8 × 6 = 12 = 128। ठीक है, 128 का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, 128 का वैल्यू दिया हुआ है 640। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 8 से 8 से ये चला जाता है 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 48, 8 × 2 = 16, 2 × 5 = 10। 1 का वैल्यू 5 आ गया आपका। अब हमको क्या निकालना है, टोटल सीपी ऑफ वन आर्टिकल, 17 × 3 = 51, किसी एक का वैल्यू निकाल लेंगे अकाउंट का, क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25। ठीक है,